जारी कर जामतरा नगर पंचायत द्वारा अनबटित प्रधानमंत्री आवास योजना की महिलाओं ने फुरकान अंसारी के द्वारा दिए गए बयान पर रोष व्यक्त किया है। लाभुकों का कहना है कि जामतरा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए आवास के बदले में किसी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है। जैसा कि फुरकान अंसारी द्वारा प्रेस मीडिया को दिए गए बयान में यह कहा गया है कि नगर पंचायत द्वारा अनबटित प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास बिना रिश्वत का नहीं होता, जो सरासर गलत है और मनगठन तथा निंदनीय है। लाभुकों ने बताया कि नगर पंचायत जामताड़ा में लाभुकों को जो भी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है वह सभी पारदर्शी तरीके से नियमानुसार और बिना रिश्वत का सबको मिला है। लाभुकों ने फुरकान अंसारी पर आरोप लगाया है कि अंसारी और उनके पुत्र पिछले 25 साल से जामताड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परंतु जामताड़ा नगर में एक भी काम विधायक और उनके पिता द्वारा देखा नहीं गया है। सड़क, नाली, पानी, आवास, सभी तरह के नागरिक सुविधा नगर पंचायत जामताड़ा ही लोगों को मुहैया कराती है। नगर पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रीना कुमारी जी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री वीरेंद्र मंडल जी के प्रयास से ही नगर में विकास का काम होता है। लाभुकों ने बताया कि अंसारी द्वारा नगर का अपेक्षा के बावजूद नगर का विकास देखकर खीज में एक ऐसा बयान दिया गया। अंसारी का बयान स्वार्थ और निंदनीय है। अंसारी को ऐसे बयान वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। बताएं कि अंसारी को नगर भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना का एक लाभुक निकाल दे, जो बोले कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास रिश्वत देकर मिला है। लाभुकों से पता लगाना चाहिए कि बिना रिश्वत का काम कैसे होता है। एक भी लाभुक नहीं मिलेंगे जो यह कह सकेंगे कि पैसा देकर आवास मिला है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर पंचायत जामताड़ा कोई रिश्वत नहीं लेता, तो फुरकान अंसारी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। फुरकान अंसारी को बयान वापस लेकर सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रधानमंत्री आवास योजना के महिला लाभुक उपस्थित थे। फुरकान अंसारी जो लगा बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। हम लोग का पास कोई किसी का पास पैसा नहीं लगा है। हम लोग का वो जो बोलता है वो गलत बोल रहा है। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला? मिला है। आपको कहीं पैसा लगा है? नहीं लगा है। तो फुरकान अंसारी जो बयान दे रहा है वो झूठ दे रहा है। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग उसको साथ विरोध करेंगे। मैं आसिया बेगम बोल रही हूँ एक नंबर वार्ड से, कि प्रधानमंत्री आवास हम लोग को एक नहीं, मेरा तीन गो मिला है, लेकिन कहीं एक पैसा हम लोग का खर्च नहीं हुआ है। न वीरेंद्र जी हम लोग से एक पैसा कहीं लगने दिया है, हम लोग का किसी को नहीं। आज 40 साल से फुरकान अंसारी या उनका लड़का 7 साल से अभी हैं, विधायक हैं, तो हम लोग के लिए क्या किए हैं? किसी के लिए कुछ नहीं किए हैं आज तक। हमारे लिए काम मोहम्मदन का लिए भी नहीं और हिंदू भाई के लिए भी नहीं। जब से चेयरमैन हमारे वीरेंद्र मंडल जी हैं, तब से PCC हुआ, बिजली लगे हैं, घर भी मिला है, राशन भी मिल रहा, सब चीज़ हम लोग को मिला, सब चीज़ का सुविधा, और कहीं हम लोग का एक पैसा खर्चा होने नहीं देता है। और जहाँ जाते हैं उनका आवास भी जाते हैं, उनका ऑफिस भी जाते हैं, तो इज्जत के साथ हम लोग को बिठाया जाता है, सब महिला को, ठीक है। इसमें उनको जो झूठ मूठ का जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं फुरकान अंसारी जी, तो गलत बात है। अगर इस तरह उसका रवैया रहा तो हम लोग सब महिला जितना लाभुक है सब मिल के जाकर उसका घर मतलब घेराव करेंगे। और उसे जामताड़ा नगर पंचायत से हमको प्रधानमंत्री आवास मिला, एक पैसा हमको घूस नहीं लगा है, और जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। इस तरह के बात गलत है। हमको बगल में मिला है आवास, वो लोग से भी घूस नहीं लिया गया है। हम धन्य धन्य धन्यवाद देते हैं वीरेंद्र मंडल को, जो एक पैसा ककरों से घूस लिया नहीं गया है। कोई इस तरह बात यदि कोई बोल रहा है तो वीरेंद्र मंडल को बदनाम कर रहा है।